हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल पर आई है बेसन की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी। अक्सर ऐसा होता है मार्केट में सब्जियां नहीं मिलती, फिर ये प्रॉब्लम आती है कि हम क्या बनाएं। उस टाइम पर बेसन हमारे घर में होता है तो हम बहुत आसानी से बेसन की बहुत ही टेस्टी सी एकदम रॉयल और रिच लुक की सब्जी बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, तो 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लें। उसके बाद से लगभग 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, और इन दोनों चीज़ों के साथ बहुत थोड़ी सी 1/2 टीस्पून मैं सौंफ डाल रही हूँ। और सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून है गरम मसाले का पाउडर, साथ ही 1/2 टीस्पून से भी कम है काली मिर्च का पाउडर। और दोस्तों 1 टीस्पून भर के मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद से हम लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें, ध्यान रखें कि सरसों का तेल ना लें क्योंकि उसके कच्ची स्मेल होती है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सोडा, जिससे हमारी बेसन की सब्जी सॉफ्ट बने। अगर आपको सोडे से एलर्जी है या आप सोडा यूज़ नहीं करना चाहते तो इस जगह पर आप 2 चम्मच जो है दही यूज़ कर लें। जी हाँ, दही कोई से भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल दही या हल्की सी खट्टी दही, वो यहाँ पर इस बैटर में ऐड कर लें और दही से इसका डो लगा लें। अब चूंकि हमने डाला है सोडा, हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, तो लगभग 1/4 कप पानी यहाँ पर हमें नीड होगा। और इस पानी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करिए। पानी ज़्यादा डालने की गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि बेसन बहुत कम पानी लेता है। तो आप देख रहे हैं इतने से ही पानी में मैंने 1.5 कप बेसन के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आटे को अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद से इसको हल्का सा इस तरह से हम पटक लेंगे, जिससे हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद से आप क्या करें, हाथों को एक बार पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए क्योंकि बेसन चिपकता बहुत ज़्यादा है। हम लेंगे 2 बड़े चम्मच वापस से तेल, और तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके और एक बार छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए बेसन के आटे को सेट होने के लिए। अब इसके बाद से इस बीच में मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रेवी के लिए कुछ मसाले। सबसे पहले हम लेंगे 4 सूखी लाल मिर्चें, साथ ही 2 तेज पत्ते लिए हैं मैंने, और इसके अलावा 3 लौंग ली है, 2 छोटी इलायची है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है। तो यहाँ पर ये कुछ खड़े मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा है टमाटर और प्याज, तो 1 बड़े प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 2 से 3 लाल टमाटर लेकर उनको भी रफली चॉप कर लें। साथ ही 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने पील कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर आप गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस सब्जी में गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। सारी चीज़ों को निकाल कर हम एक बार साइड रख देंगे और इतने देर में हमारा बेसन भी सेट हो जाएगा। 220 मिनट हो चुके हैं। बेसन को चेक कर लेते हैं। बेसन हमारा इस टाइम पर काफ़ी बढ़िया से सेट हो जाता है। इसको सेट होने के लिए इसलिए रखते हैं जिससे जब हम बेसन की सब्जी बनाएं तो वो सॉफ्ट बनती है। डो को अगर हम पहले से अच्छे से सेट करके रखते हैं तो थोड़ा टाइम इसको रेस्ट के लिए जरूर दीजिएगा। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और बेसन की मनचाहे साइज़ की गोलियाँ बनाएंगे। आप गोलियों को थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से छोटे छोटे साइज़ की गोलियाँ भी बना सकते हैं। बेसन को आप अपने हिसाब से उसका जो शेप है वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी छोटी गोलियाँ बना रही हूँ। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, सारी गोलियों को बनाकर रख लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी सारी गोलियाँ बनकर तैयार हैं। इतने बेसन में मैंने पूरी प्लेट भर के गोलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक छेद वाली प्लेट ले लेंगे या फिर कोई जाली वगैरह जो भी आपके पास हो। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी जिससे गोलियों को अगर हम रखें तो ये चिपके नहीं। इस प्लेट में रखने के बाद गोलियों को हम देने वाले हैं एक बढ़िया सा स्टीम। तो इसके बाद से हम यहाँ पर सारी गोलियों को ऐड कर देते हैं। बेसन की गोलियां हैं तो हल्के हल्के हाथों से इनको प्लेट के ऊपर डाल देंगे और बस यहाँ पर गोलियों को आप फैला दीजिए। और ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये चिपकेंगी नहीं। देखिए मैंने कैसे इनको टच करके रखा हुआ है। एक कढ़ाई में हम 1 गिलास पानी लेंगे, तो कढ़ाई आप वही लें जिसपे आपकी जाली वाली प्लेट सेट हो जाती हो। इसमें सबसे पहले हम अपने टमाटर, प्याज, अदरक और जो हमने खड़े मसाले निकाल कर रखे थे वो सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड करते हैं। कढ़ाई में एक बार ढक्कन लगा देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। तो पानी में जब उबाल आ जाएगा उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। पानी में उबाल आने में 1 से 2 मिनट लगेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए यहाँ पानी में उबाल आ चुका है। इसके बाद से हमारी जो बेसन की गोली वाली प्लेट थी इसको हम यहाँ रख देंगे और ऊपर से अच्छे से ढक देंगे, जिससे इसी स्टीम से हमारे जो बेसन की गोलियाँ अच्छे से पक जाएंगी। इस टाइम पर फ्लेम को आप हाई मीडियम रखिए और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट में ही गोलियाँ काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉयल हो जाती है। ये देखिए इस टाइम पर गोलियों का कलर भी चेंज हो जाता है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाती है। एक गोली मैं आपको हल्के से काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए गोलियाँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और अंदर भी थोड़ी खुसखुसी सी हैं। आपको देख कर ही पता चल रहा होगा गोलियाँ एकदम सॉफ्ट बनी हैं। प्लेट को अलग हटा देंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारे जो टमाटर प्याज हैं वो भी इस टाइम पर अच्छे से पककर तैयार हो चुके हैं। इनको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से पकाने से एक तो हमारी गैस की बचत होती है, साथ ही जो है हमारा समय भी बचता है। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को मैंने अलग अलग कर लिया है। पानी को फेंकना नहीं है, इसे हम अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म होने रखा है और जो टमाटर प्याज का पेस्ट था वो मैंने अच्छे से पीस कर रखा हुआ है। जीरे का तड़का डालेंगे। जीरा जब अच्छे से पक जाए तो फिर यहाँ पर हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ हल्दी का पाउडर, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। हल्दी पाउडर डालते ही आप पानी ऐड कर दीजिए, जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, जो हमारी ग्रेवी में बढ़िया सा कलर देगा। साथ ही 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया का पाउडर है। साथ ही बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है, क्योंकि हमने साबुत लाल मिर्च मिक्सी में भी पीसा हुआ है मसालों के पेस्ट के साथ, तो इसलिए लाल मिर्च मैं यहाँ पर कम डाल रही हूँ। मसालों को मिलाएंगे और ज़्यादा नहीं, बस 30 से 40 सेकंड इनको पकाएंगे, क्योंकि मसाले एकदम ड्राई हैं तो इनके जलने का डर होता है। मसाले जब अच्छे से फ्राई हो जाएं, देखिए मसाले बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं, तो मैं जो टमाटर प्याज का पिसा हुआ पेस्ट था वो यहाँ पर ऐड कर दूंगी। और इस पेस्ट को हम पकाएंगे धीमी धीमी आंच पर, लेकिन साथ में हम डालेंगे ग्रेवी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर सिम फ्लेम पर ढककर छोड़ेंगे और इसको पकने में लगता है 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में हमारे जो मसाले का पेस्ट है वो बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुका है। जब इसमें से हल्का सा ऑयल ऊज आउट होने लगे तो समझिए मसाला पक चुका है। अब इसके बाद से दोस्तों मैंने यहाँ पर ½ कटोरी भर के दही को फेंट कर रखा था। ये फ्रेश दही है। दही को पहले अच्छे से फेंट लें। दही डालने के बाद इसको लगातार चलाइएगा, क्योंकि दही डालते ही गर्म मसाले में इसका फटने का डर बढ़ जाता है। तो आप चाहें तो इस टाइम पर फ्लेम को हाई कर दें और हाई फ्लेम पर दही को लगातार चलाते रहें। और दही में जैसे ही उबाल आ जाए फिर हम इसको ढक्कन लगा सकते हैं, फ्लेम को सिम करके, और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक दही के मसाले से ऑयल हमारा अच्छे से निकलने ना लगे। इसको भी फ्राई होने में 5 मिनट लगे हैं और देखिए मसाला हमारा पककर तैयार है। तो इस तरह से मसाला जब पक जाए तो हमने जो पानी रखा हुआ था बॉयल वाला बचाकर वो डाला है, तो इतने पानी से हमारी ग्रेवी का काम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। पानी जो है आप डालें, वो आपको ग्रेवी कैसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पर 1 कप या 1.5 कप पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ करके 2 बार डाला है। तो अब मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी हमारी इस तरह से लगकर तैयार है। ग्रेवी में जब हल्का सा उबाल आए तो हम डालेंगे ½ टीस्पून भर के गरम मसाले का पाउडर। साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी दोनों टाइम पर मैंने ऐड किया है, जिससे पूरी सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं और अब इसी ग्रेवी में हम डाल देंगे पके हुए बेसन की गोलियाँ। ग्रेवी को अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है, बेसन की गोलियों के साथ ही हम ग्रेवी को भी पकाएंगे। तो इस ग्रेवी में अब मैं ऐड कर देती हूँ जो हमने बेसन की गोलियों को बॉयल करके रखा हुआ है। गोलियों को आप हल्का हल्का हाथों से, अगर वो हल्की सी चिपक भी गई हैं तो आराम से ये अलग हो जाएंगी। इनको अलग अलग करके डालिए और बस ग्रेवी के साथ इनको मिक्स करिए और सिम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे ग्रेवी और गोलियाँ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगी आपस में। ये देखिए बेसन की गोलियों की बहुत टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार है। और देखिए ग्रेवी भी पक चुकी है और हमारी बेसन की गोलियां भी फूलकर थोड़ी थोड़ी बड़ी भी हो गई हैं। ग्रेवी में जाने के बाद ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा सोडा डाला हुआ है। गैस को बंद करेंगे। आप चाहें तो हरी धनिया से गार्निश करें या फिर आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये जो सब्जी होती है दोस्तों, ये रोटी और राइस या फिर पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी को सर्व कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सब्जी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रही है। इस तरह से सब्जी बनाकर आप अपने घर पे घर वालों को खिला सकते हैं, गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आई होप दोस्तों आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।